मेरा नाम इमनीश चौधरी है। मैंने ये इन्वेंशन नया बनाया है। इसके अंदर मैंने अपने चश्मे से एक सीरिंज को जोड़ा है और सीरिंज को मैंने एक मैग्नीफाइंग लेंस से जोड़ा है। ये बेसिकली मेरे लेंस के सामने आता है और सीरिंज की मदद से मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ अपनी सेटिंग के हिसाब से। काम किया अगर मानो मुझे पहले से किसी मानो मुझे किसी चीज़ को बड़ा देखना हो तो इसको मैं सामने ला के वहाँ से देख सकता हूँ। अब जोड़ा कैसे मैंने इसको, मेरे चश्मे में बेसिकली ये एक मोटा पार्ट है जो कि इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। इसके बाद एक पतला स्ट्रक्चर आता है यहाँ पे, जिसके पीछे फिर से वो ईयर पीस है, जैसे मतलब कान के ऊपर जो पार्ट जाता है वो है। प्रॉब्लम क्या है कि ये कुछ ज़्यादा ही पतला है। अगर मैं मान लो जिप टाई को इससे जोड़ देता तो प्रॉब्लम ये हो जाती है, अगर मुझे इसको बाद में कभी बाहर निकालना पड़े फॉर एनी रीज़न, जैसे अगर मान लो नंबर चेंज होता है, इसी फ्रेम में मैं नया लेंस लगाना चाहूँगा किसी भी कारण से, तो इसको यहाँ से बाहर मैं निकाल नहीं पाऊँगा। यहाँ लगा दूंगा तो एक कुछ ज़्यादा ही पीछे मैग्नीफाइंग लेंस नहीं मेरे सेट हो पाएगा। तो मैंने इसको आगे वाले पार्ट से लगा दिया ताकि इससे सेटिंग भी सही रहे और रिक्वायरमेंट हो तो, क्योंकि ये सबसे मोटा पार्ट है पूरे डंडी का, तो मैं इसको आराम से बाहर निकाल सकता हूँ। इसको कभी भी चाहो तो इस डंडी पे भी लगा सकता हूँ। अब बेसिकली इसका काम कि अब डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं इसका। तो इसको मैंने जैसे पहन लिया यहाँ पे, ये नॉर्मली ऐसे रहेगा। अगर मान लो इसको ज़्यादा दूर रखो तो ये इस हिसाब से भारी हो रहा है। इसको मैं यूँ रखूँगा, सामने जब भी रिक्वायरमेंट हो सीरियन से मैं इसको दूर कर दूँ। ये जनरली कुछ ज़्यादा ही पास रहता है। यहाँ सेट कर दिया मैंने। अब मान लो मुझे इस चार्ट को देखना है यहाँ पे, तो मैं एक आँख बंद करके इससे इस दूरी पर इसको एकदम क्लियरली साफ देख सकता हूँ। अब मान लो इसको मैं ज़्यादा पास कर दूंगा तो यहाँ से भी मुझे ब्लर ही दिख रहा है। इसको मुझे बहुत पास आना पड़ेगा देखने के लिए एग्जैक्टली वो क्या लिखा है। ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसको मैं बेसिकली दूर से चीज़ों को देख सकता हूँ, ज़्यादा मुझे आँख नहीं घुसानी पड़ेगी अपनी देखने के लिए। रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है भाई, वैसे इन्वेंशन बनाया मैंने। थैंक यू।